में आपको विद्यार्थी पंच लक्षणम, सभी सुनो, विद्यार्थी पंच लक्षणम वो बोलता हूं, सभी ध्यान से सुनो, कानपुर वाले कान खोल के सुनो, ओके, क्या है वो सुनो, पहले मैं बोलता हूं फिर आपको रिपीट कराता फिर एक्सप्लेन करता हूं। विद्यार्थी पंच लक्षणम मना, हर स्टूडेंट के लिए ये पांच बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, काका चेष्टा, कुछ नहीं बोलो, मेरे सुनो, काका चेष्टा बोलो, नहीं सुनो पहले, काका चेष्टा अवज्ञान श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागम, ये पांच है, हर एक के जीवन में चाहिए, सुनने में अजीब लगता है बट इट इज अवर रियलिटी। अभी मेरे साथ बोलो, काका चेष्टा, भगो ज्ञानम, फिर क्या है, स्वान निद्रा, स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, और एक बार बोलो, मैं बोलने के बाद बोलना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, काका चेष्टा भगोद्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागम। मैं एक्सप्लेन करता हूं, काका चेष्टा मीन्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम क्रो, काका मीन्स क्रो, क्रो का मतलब मालूम है, कुआ, उसमें एक क्वालिटी होता है, कुआ में एक क्वालिटी, जब वो किसी भी आप बात करते हैं तो मैं आई विल बिकम साइलेंट, आप छोड़ते ही नहीं, कितने बोले तो भी अपना ही माइंड को अजीब से ले लेते, ओ गर्ल प्लीज पे योर अटेंशन योर बिहाइंड सीन द माइंड, काका चेष्टा में इस वॉट से कुछ सीखना है, क्या सीखने को मिलता है, जब भी उसको कुछ नहीं मिलता है वो कुछ ना कुछ एफर्ट करके वो लेते हैं। आप सबको मालूम है स्टोरी ऑफ द क्रो, वो पिक्चर में वाटर नहीं था तो क्या किया, सब स्टोन डाल करके वो वाटर को उसके तक आने तक वो प्रयास करके लिया है ना। एक विद्यार्थी में क्या होना है, काका चेष्टा इन द सेंस एफर्ट मेकर, राइट ऑफ काका चेष्टा मीन्स एफर्ट मेकर, एफर्ट मेकर, काका चेष्टा मीन्स व्हाट, काका चेष्टा मीन्स व्हाट, एफर्ट मेकर। नेक्स्ट सेकेंड वन देखो बच्चे, बको ज्ञानम, बको मीन्स क्रेन, आपने सुना क्रेन, वो क्या होता है, उसके सामने कितने भी मछलियां आता है वो मछलियों को वो एकदम मुंह में नहीं लेता है, वो वेट करता है बड़े मछली मिलना चाहिए, अगर उसके पास छोटा छोटा मछली आएंगे तो वो उसको नहीं लेने का ट्राई करता है, एफर्ट करता है, क्यों, वो समझता है अगर मैं छोटी मछली पकड़ते समय बड़ा मछली आ गया तो वो मिस हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ता नहीं, वो क्रेन, उसको कहते बको मीन्स व्हाट, क्रेन। तीसरा, स्वान निद्रा, स्वान मीन्स डॉग, स्वान मीन्स व्हाट, डॉग कुत्ता, आप सब देखा होगा ये जो स्वाना होता है ना, वो डॉग होता है ना, वो ऐसे ही नींद में रहता है, उसको इतना कॉन्सेंट्रेशन, बॉडी फुल अलर्ट होता है, थोड़ा एक पेपर गिर गया तो भी वो अलर्ट, एक विद्यार्थी को दैट अलर्टनेस शुड बी देयर, जब कोई भी कुछ सिखा रहा है तो पूरा बॉडी माइंड वन होकर के सुनना है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी, आपको क्या बोल रहा है, विद्यार्थी पंच लक्षणम, अगर आप रहते इधर और जाते हो यहां वहां आपका मन भटकता है, बुद्धि यहां यहां घूमता है तो यू आर नॉट एट ऑल ए स्टूडेंट, यू आर वॉट, रोमन, क्या बोलते हैं, रोमन,
आप अपने माता पिता इतना आपके लिए कष्ट लेकर पढ़ाने के लिए भेजते और इधर आकर के मन को कंट्रोल में रखने में फेल हो गया, कुछ भी सीखा नहीं, पढ़ते नहीं, तो एक दिन पछताएंगे ना, बोलो बच्चे, है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो जो भी कहते, ये बातें करने में क्यों लगते हो, क्यों लगाते हो अपने टाइम। तो क्या है, स्वाना निद्रा, स्वाना मीन्स व्हाट, डॉग। मैंने बोला एफर्ट मेकर, पहला क्या था, एफर्ट मेकर है ना, चेष्टा। सेकेंड वर्ड है ना, कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपका फ्रेंड आकर के करता है, एक कामयाब लेटर गो फॉर मूवी, एक कामयाब लेटर गो ऑन ट्रेन, और आपको एग्जाम प्रिपेयर होना है, तो बोलता है अरे छोड़ा यार, ये तो फाइनल एग्जाम नहीं, ये तो टेस्ट है ना, आ जाओ थोड़ा टाइम खेलेंगे तो फ्रेश हो जाते हो। तो जो जो पावरफुल विद्यार्थी होता है, जिसका मन बहुत स्ट्रांग होता है, पढ़ाई पर बहुत रुचि होता है, वो बोलता है माय गोल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी सॉरी, माय गोल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी सॉरी। अगर ऐसे वैसे विद्यार्थी होता है तो बुलाया ना, चलो फाइनल एग्जाम के लिए देखे भी चले, छोटे छोटे अवसर में अपने को फंसा देगा। ही विल नेवर बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट। तीसरा क्या है, स्वाना निद्रा। अगर कोई आकर के आपको डिस्टर्ब किया तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि आपको अपना गोल इतना क्लियर है, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना। एक प्रभाव आपको सुनाता हूँ, सुनो, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, जो खाएंगे पिएंगे सोएंगे वो बनेंगे खराब। जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब, जो खाएंगे पिएंगे सोएंगे वो बनेंगे खराब। अभी बोलो आपको नवाब बनना है खराब बनना है, जो जो खराब बनना चाहते हैं हाथ उठाओ। तो सब इधर गए, जो नवाब बनना चाहते हैं, जो दोनों के हाथ में उठाते हो क्या बनते, हाफ बॉइल्ड एग, हाफ बॉइल्ड राइस। ये राइस जो होता है खाने में योग्य नहीं है और फेंकने भी योग्य नहीं है, बीच में होता है। ऐसे होना है क्या, ऐसे होना है क्या, नहीं ना। अभी उठा जो इसको बनना है, हाफ बॉइल्ड राइस। देखो ऐसे भी उठा, ऐसे मना, इतना हिम्मत रख के उठाओ, अभी अच्छा। तो विद्यार्थी परीक्षा में क्या सेवा करते थे हम, स्वाना निद्रा। नेक्स्ट है अल्पाहार। माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुल। कईयों को खाने का आदत इतना हो गया, वो पढ़ते वक्त भी पांच पांच मिनट को आते कुछ ना कुछ चटपटा चटपटा खाते रहते हैं, उनको क्रेविंग बोलते हैं उसको, उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं। कई लोग चाय पीते रात पूरा झगड़ा, उससे भी आपका हेल्थ फॉर्म होता है। मेरा बात ये सुनो, अगर आपको अच्छी तरह से अपना जीवन में ये जो पढ़ाई है उसका सक्सेसफुल पाना है, तो आप खान पर खान पान पर भी लक्ष्य रखना है। 6:30 क्या लास्ट टाइम, 7:00 विथिन 7:00 डिनर, 7 के बाद नहीं खाना। अगर खाया तो खाना नहीं, वो आपके लिए बहुत बहुत डेंजर। और तले हुए मसाला चटपटा वो सब खाते रहते हैं, तो आपका ब्रेन के एफिशिएंसी वीक करता है। आप पढ़ने चाहते हैं तो आपका वो इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो सब डिस्टर्ब होता रहता है। मेरे बात समझ में आया, समझ में आया। कई लोग नॉन वेजिटेरियन वगैरह वगैरह क्या क्या खाता है पता नहीं, आजकल पिज्जा बर्गर रो बर्गर रो बर्गर रो क्या क्या आता है पता नहीं, वो सब मंगवाते हैं और बोलते पार्टी पार्टी बोलते हैं और खाते हैं 11 बजे 12 बजे और वैसे ही सो जाते हैं, कुछ प्रिपेयर नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। सेलिब्रेशन के नाम पर इस पेट को क्या बना देते हैं, समझ लिया, डस्टबिन। ऐसे कर दिया तो विद्यार्थी पंच लक्षण में वो मिस हो जाता है। कौन सा चीज मिस हो जाता है, अल्प आहार। विद्यार्थी मना अल्प आहार, अल्प आहार मना यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एनर्जी, कैलोरी के तरह लेना है। ऐसे नहीं अच्छा लगे तो इतना खाना, ऐसे नहीं। आप जो भी करते हैं
फ्रेश होना है, फ्रूट होना है, फ्रूट्स होना है, बॉइल्ड फूड वेरी लेस होना है और वेरी लेस सॉल्ट एंड ऑयल, ऐसे होना। समझ में आया? और एक योगा टेक्निक में एक बात बोलते हैं, पिताबुक ऋतुबुक पिताबुक, बोलो पिताबुक ऋतुबुक पिताबुक, मित मना जो टेस्ट है उतना ही बना के खाओ, मित मना थोड़ा थोड़ा खाओ, रुत मना टाइम पर खाओ। समझ में आया? मित मित रुत, बोलो और एक बार। तो ऐसे करेंगे तो आपका हेल्थ आपको खराब नहीं होता है, तो आपका पढ़ाई में वो समस्या नहीं बनता। समझ में आया? विद्यार्थी का फोर्थ लक्षण। ओके, अभी देख लेंगे पांचवा लक्षण, विद्यार्थी पंच लक्षण में पांचवा लक्षण वो क्या है? रहस्यादि। आप सबको मालूम है महाभारत या कृष्ण के जब गुरुकुल के जो पढ़ाई हुआ तो कृष्ण राज छोड़ करके चले गए थे, घर में नहीं थे, उसका एजुकेशन पूरा गुरुकुल में थे। आजकल के जमाने में गुरुकुल का विद्या तो नहीं चल रहा है, सभी भी पेरेंट्स बच्चों को नहीं छोड़ रहे, बच्चे पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे, सभी को डर हो गया। आजकल स्कूल्स में छोड़ने पे भी पेरेंट्स को डर होता है मेरा बच्चे का हालात तो कुछ खराब ना हो जाए। ऐसे तक आज कलयुग, कौन सा युग में है हम सब? कलयुग, एक कलयुग अभी नहीं जा रहे। इसलिए आपको गृहत्याग मना घर छोड़ करके तो स्कूल में नहीं रह सकते, लेकिन अपना कंफर्ट जोन से आप दूर रहना। किससे दूर रहना है? कंफर्ट जोन, माना मुझे इधर पढ़ते ही मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे उस रूम में पढ़ेंगे तो ही मैं पढ़ूंगा, मुझे उधर बैठेंगे तो ही मैं पढ़ूंगा। माना यू आर वेरी मच अटैच्ड टू द फिजिकल थिंग्स, देन यू कैन नॉट स्टडी वेल। इसलिए कंफर्ट जोन में, तो कौन सा पंच लक्षण, आर यू एबल टू टेल मी नाउ? नंबर वन, आई विल आस्क यू, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। अपने आप को तो तालियां बजाओ, इतना अच्छा सीख लिया आपको। एक पांच विद्यार्थी को सक्सेसफुल हो। अगर आपके जीवन में एक कमी होते है तो भी आप अच्छी तरह से इससे फायदा नहीं उठा सकते। समझ गया? समझ गया? हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप हाँ जी बोलो तो शिव जी भी आपको ब्लेसिंग करता है। कौन ब्लेसिंग करता है? कौन ब्लेसिंग करता है? शिव जी मना निराकार परमात्मा, गॉड ऑफ लाइट, जो शिवलिंग के भी हम निशाने दिखाते हैं छोटा सा बिल्ली, आपको दिखा रहे मेडिटेशन में एक सुप्रीम एनर्जी है ना, तो इसलिए हाँ जी बोलवा। ओके okay?